जीतू पटवारी जी हमारे बीच में मौजूद हैं, एक उभरता हुआ हमारा युवा राजनेता है, मध्य प्रदेश का, कांग्रेस पार्टी का, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, कॉमरेड हमारे गौतम जी, स्पीकर साहब हमारे मित्र हैं, मेरी मित्रता है उनसे। और ये तो कोई चड्डी छाप आरएसएस के तो है नहीं, लेकिन इतने प्रभावित कैसे हो गए जो उनके कहने से निलंबन कर दिया गया। आखिर जीतू पटवारी मांग क्या रहे थे? जीतू पटवारी कह रहे थे कि भाई ये आपके उत्तर हैं मेरे प्रश्नों के। दो प्रश्न क्या थे कि भारतीय जनता पार्टी के आयोजनों में मध्य प्रदेश सरकार ने खर्चा किया, क्या जनता का पैसा क्या पार्टी के आयोजनों में खर्च किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रश्नों में उत्तर में सरकार ने उत्तर हमें जो दिया उसमें स्पष्ट है, कम से कम 19 जगह पर ये प्रमाण है, 35 जगह प्रमाण है कि हाँ भाजपा के आयोजनों में भोजन टेंट की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई। दूसरा प्रश्न था वन्य प्राणियों को लेकर, वो केवल उत्तर पढ़ रहे थे जो सरकार ने उन्हें दिया था। इसमें कौन सी गलत बात जीतू पटवारी ने कर दी? और मुझे तो बड़ा ही निराशा हुई है, जो स्पीकर साहब हमारे अच्छे मित्र हैं, सीपीआई में रहे हैं, लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उन पर वो हमेशा से उनकी प्रतिबद्धता है, बहुत गलत निर्णय हुआ है निष्कासन का। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि विधानसभा चलनी चाहिए, क्यों नहीं चला रहे हैं?